मुझे याद है 42 साल पहले अगर छिंदवाड़ा में हम बात करते थे छिंदवाड़ा की, तो लोग पूछते थे कौन सा छिंदवाड़ा, वो नागपुर वाला। छिंदवाड़ा का नाम लक्ष्मीगंज था, ये भी एक छिंदवाड़ा था। हमारा छिंदवाड़ा क्या था, यहाँ लोगों ने पैसेंजर गाड़ी नहीं देखी थी, सही बात है, खाली माल गाड़ी देखी थी, पैसेंजर गाड़ी नहीं थी। अब तो दिल्ली तक की गाड़ी देखते हैं हम, सही है। और मैं हरदई में था, उनको बता रहा था कि उस समय पता नहीं लगता था जगराम नरसिंहपुर जाए कि हरदई कब आता है कब जाता है। मैं सौंसर गया था उस दिन, सौंसर एक बस्ती हुआ करती थी, आज सौंसर में लिखती होना चाहिए। बोरगांव तो पता नहीं चलता था, बोरगांव है का कौन सा गांव है, जो गुजर गए पता नहीं कौन सा बोरगांव है। हमारा पठानकोट, उनका संबंध दुनिया से केवल नमक का था, जंगली आम की गुठली को सुखा के अपना आटा बना लेते थे, सीमित कपड़े पहनते थे। याद है मैं धक्के खाता था जीप में, वापस जाता था, 1 किलो मिट्टी मेरे बदन में होती थी। कितनी सड़कें थी, कितने स्कूल थे, लोग प्राइमरी स्कूल के लिए तड़पते थे, कितने कॉलेज थे, कितने अस्पताल थे, ये सब आप गवाह। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, आप गवाह। मैंने तो अपनी जवानी समर्पित कर दी छिंदवाड़ा के लिए, और आपने मुझे अपना प्यार और विश्वास दिया। हर चुनाव का अपना मायने होता है, जिला पंचायत के होते हैं, नगर निकाय के होते हैं। 17 तारीख को जो चुनाव है, ये केवल एक उम्मीदवार का नहीं है, ये केवल एक पार्टी का नहीं है, ये छिंदवाड़ा के भविष्य और मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है, और मध्य प्रदेश के भविष्य की और आगे का रास्ता भी बहुत लंबा है। मैं नौजवानों को देखता हूँ, सबसे बड़ी चुनौती ये नौजवान है जो बैठे। हमारे बुजुर्गों ने तो अपना जीवन काट लिया, पर नौजवान जो निर्माण करेंगे हमारा छिंदवाड़ा का, हमारे मध्य प्रदेश का, आज अगर उसका भविष्य, हमारे छिंदवाड़ा का कैसे निर्माण होगा। आज का नौजवान में एक तरफ है वो ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता, वह तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है, और यही सबसे बड़ी प्राथमिकता। हमने स्किल सेंटर बनाए, इतने स्किल सेंटर पूरे देश में किसी जिले में नहीं है। मुझे चिंता थी कि 7वीं पास 8वीं पास जो खड्डे खोदता है उसका क्या होगा। हमने ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल जो बनाया, वो ड्राइवर बने कुछ खर्चा नहीं, वो तो मैं करता हूँ। आज वो 15-20 हज़ार की नौकरी करते हैं। मैं बेंगलोर गया था, वहाँ इसी सम्मेलन था कि मैं छिंदवाड़ा का हूँ। मैंने कहा छिंदवाड़ा से हूँ, यहाँ क्या कर रहे हो। कहता मैं JCB चलाता हूँ, 50,000 रुपये कमाता हूँ, और JCB की ट्रेनिंग उसने हमारे स्किल सेंटर से दी। वो 50,000 रुपये कमाता है, घर भेजता है, और आपकी दुकान चढ़ती है तो पैसा भेजता है। हमने 6,000 किलोमीटर सड़कें बनाई, आवागमन की तो बात हो गई, या हाईवे बने आवागमन की तो बात हो गई, पर मैं बाहर से मजदूरी अपनी, गिट्टी मिट्टी अपनी, गाड़ी ट्रैक्टर अपना, इससे आर्थिक गतिविधि बनती है। ये आर्थिक गतिविधि बनती है इसलिए ये आज घेनू के बाजार खुले। अगर ये शक्ति नहीं होती, खरीदने की ताकत नहीं बड़ी होती, तो ये सब संभव नहीं था। कोई गहने की दुकान नहीं होती थी, इतनी गहने की दुकान थी यहाँ, आप सब जान रहे हैं। ये आज लाइन में लगी हुई है, मैं देख रहा था, खुद ताजुब हो रहा था। मैंने कहा तो सब दुकानें भरी हुई थी, ठीक है दिवाली आ रही है, हाँ पर दिवाली आई, सब दिवाली की भी खरीदी कर रहे हैं, पर ये आज हमारी आर्थिक गतिविधि बनी। इस आर्थिक गतिविधि से हमारे बाजारों में रोशनी आई, और यही आज मेरा लक्ष्य है। नौजवानों को कैसे मौका मिला जाए, हमारे माताओं और बहनों ने कितने प्यार से पाला पोसा है, और भटकता हुआ नौजवान आज क्या करेगा। वो तो मैं कहूंगा ही, मुझे वो चिंता नहीं है आगे की। कह रहे WCL क्वार्टर क्या चीज होती है, इनके खदान बंद हुए, मैंने तो शुरू किया था, मैं मुख्यमंत्री बना था कि इनको यहाँ से भगाओ। किस खुशी में आपने जमीन रखी हुई है, जमीन हम पट्टा देंगे WCL। और हमारी सरकार बनी थी,
हमारी सरकार बनी थी 15 महीने के लिए, जिसमें से 2.5 महीने आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में दिया है, 11.5 महीने विकास को। मैंने प्रदेश को अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। हमने प्रदेश में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया पहली किस्त में, और छिंदवाड़ा में 75,000 किसानों का कर्जा पहली किस्त में माफ किया, दूसरी किस्त चालू करी थी पर हमारी सरकार नहीं गई। मैं सौदा कर सकता था, सौदा हुआ मैं भी कर सकता था, मैं तो मुख्यमंत्री था, विधायक आते थे कि हमें 1 करोड़ रुपए मिल गए, मैंने कहा ले लो बॉस करो, मैं सौदा करने वाला नहीं हूँ, हमारे छिंदवाड़ा की पहचान है, सौदा नहीं किया कुर्सी नहीं रही कोई बात नहीं। पर आज प्रश्न हमारे भविष्य का, हमने अपनी नीति और नियत का परिचय पूरे प्रदेश को दिया। मैं रोज 3-4 जिलों का दौरा कर रहा हूँ, मेरे ऊपर प्रदेश की पूरी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी तो आपके कंधों पर है ना, और ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। हमारे माताएं बहने बैठी हैं, अभी 5 महीने पहले लाडली बहन, इसकी पहले ये लाडली नहीं थी, ये तो 5 महीने से लाडली बनी, सही है हाँ, और कहते हैं ये गुमराह कर लेंगे। मैंने अभी ने कहा 30-40 दिन में 1500 रुपये आपको मिलेंगे और गैस का सिलेंडर 500 रुपये पे मिलेगा। पुरुष तो अपनी देखरेख कर लेते हैं, माताओं और बहनों की देखरेख कमलनाथ करेंगे, आपको जो हमारा घर चलाती है। और अंत में इसकी बात करूंगा, जो 17 तारीख को आप बटन दबाएंगे, याद रखिएगा ये बटन केवल एक पार्टी या एक उम्मीदवार का नहीं है, आप सच्चाई का बटन दबाइएगा, भविष्य का बटन दबाइएगा। मैंने इतने साल आपने मुझे जान लिया और ये मुझे छिंदवाड़ा की शान बनी रही, आज छिंदवाड़ा की शान सत्य गए है, लोग आते हैं देखने के लिए, स्किल सेंटर देखने आते हैं और देख के कहते हैं ये छिंदवाड़ा है, ये छिंदवाड़ा जहाँ केवल 480 गांव में बिजली की, 2000 गांव जहाँ सड़कें नहीं थी, जहाँ ऐसी हालत थी कि 90% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते थे, वो भी एक छिंदवाड़ा था। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन छिंदवाड़ा जिले की जुन्नारदेव विधानसभा के जामई में विशाल चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज से 42 साल पहले लोग छिंदवाड़ा के बारे में जानते भी नहीं थे और पूछते थे कि छिंदवाड़ा कहाँ है। 42 साल पहले यहाँ के लोगों ने पैसेंजर गाड़ी नहीं देखी थी, बस बैलगाड़ी ही देखी थी। यहाँ के आदिवासियों का दुनिया से रिश्ता केवल नमक का था। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छे से वो दिन याद है जब मैं जीप से घूमता था और 1 किलो धूल मिट्टी मेरे ऊपर लिपट जाती थी। उन्होंने कहा कि यह चुनाव छिंदवाड़ा के भविष्य का चुनाव है और मध्य प्रदेश के भी भविष्य का चुनाव है। कमलनाथ ने कहा कि आप सभी को पूरी जानकारी है कि छिंदवाड़ा का विकास किस तरह से हुआ है और आज छिंदवाड़ा कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा अब लोगों को नौकरी देता है। छिंदवाड़ा में जो आर्थिक गतिविधि बनी उससे हमारे बाजारों में रोशनी आई, हम किसानों का फिर से कर्ज माफ करेंगे, हमारी सरकार आने पर हम गेहूं के लिए 2600 रुपए समर्थन मूल्य देंगे और धान के लिए 2500 रुपए समर्थन मूल्य देंगे, हमने छिंदवाड़ा में 75,000 किसानों का कर्ज माफ किया, हम बच्चियों के विवाह के लिए 1,01,000 रुपए देंगे, हम स्कूली बच्चों को पढ़ो और पढ़ाओ योजना के जरिए 500 से 1,500 रुपए स्कॉलरशिप देंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस की सरकार आने पर हम सभी माताओं और बहनों को नारी सम्मान योजना के तहत 1,500 रुपए प्रति महीने सम्मान राशि देंगे, गैस का सिलेंडर 500 रुपए में देने का काम करेंगे, हम अपने प्रदेश के नौजवानों के लिए प्राथमिकता से काम करेंगे। कमलनाथ ने कहा कि मैं माताओं और बहनों को बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए पिछले 18 सालों से क्या आप लाडली बहना नहीं थी, चुनाव के 2 महीने पहले आपको लाडली बनाया है। छिंदवाड़ा की जनता से उन्होंने कहा कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हमारी सरकार आने पर हम 1,500 प्रति महीने देने का काम करेंगे, साथ में 500 में गैस सिलेंडर भी देंगे। अब प्रदेश में माताओं और बहनों की रक्षा आपका कमलनाथ करेगा। कमलनाथ ने कहा कि 17 तारीख को होने वाला चुनाव छिंदवाड़ा जिले और पूरे मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है।
आज भ्रष्टाचार में मध्य प्रदेश पूरे देश में नंबर वन है। ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार की पूरी व्यवस्था कायम है। आज शिवराज सिंह चौहान की झूठ की मशीन डबल स्पीड से चल रही है। उन्होंने कहा कि मैं नौजवानों को देखता हूं तो मुझे बड़ी चिंता होती है, क्योंकि इन नौजवानों से पूरे मध्य प्रदेश का निर्माण होना है, लेकिन अगर इन्हीं का भविष्य अंधकार में रहा तो किस तरह से प्रदेश का निर्माण होगा। हमने 15 महीने की सरकार में 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया, 1000 गौशालाएं भी बनवाई थी। कमलनाथ ने कहा कि हमारी सरकार आते ही हम फिर से किसानों का कर्ज माफ करेंगे। आज का नौजवान कोई ठेका या कमीशन नहीं चाहता है, वह तो अपने हाथ को केवल काम चाहता है। शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं, लेकिन आज मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आत्महत्या किसान कर रहे हैं। कमलनाथ ने अंत में कहा कि यह चुनाव सत्ता का नहीं बल्कि सच्चाई का चुनाव है। जब आप मतदान करने के लिए बटन दबाएं तो कांग्रेस के वचन पत्र को जरूर ध्यान में रखिएगा। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप सच्चाई का बटन दबाएंगे तब आप मध्य प्रदेश के भविष्य, युवाओं के भविष्य और माताभनों के भविष्य के लिए बटन दबाने का काम करेंगे और कांग्रेस की प्रचंड बहुमत बनाने का काम करेंगे और भाजपा की भ्रष्ट सरकार को सत्ता से बेदखल करेंगे।